मेरा DPS का निकाल दिया गया था, लकी डॉट एक्सेस हुआ था और डर नहीं क्या करा था, मैं मेरा प्रणाम। आज मैं आद्य विश्राम नर्सरी डी दिल्ली हाउस स्कूल से आप सबके सामने भगिनी निवेदिता के बारे में कुछ कहने के लिए उपस्थित हुई हूँ। मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, जिसे वह निवेदिता के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म 28 अक्टूबर 1867 को आयरलैंड में हुआ था। सबसे बड़ी बेटी मार्गरेट अपने पिता के आदर्शों और सपने को समर्पित थी और उसने निस्वार्थ सेवा की भावना पकड़ी। मार्गरेट ने इंग्लैंड में स्वामी विवेकानंद से मुलाकात की और उनके आदर्शों ब्रह्मभाषणों से काफी प्रभावित हुई। वह 1898 में भारत आई और कोलकाता में राव कृष्ण के एक घर में रही। निवेदिता ने इलाके में लड़कियों का स्कूल शुरू किया और उन युवा लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया जिन्हें उन दिनों स्कूल में पढ़ने की अनुमति नहीं थी। बहन निवेदिता व्यक्तिगत रूप से उनके माता पिता के पास जाती थी और उनसे अनुरोध करती थी कि वे अपनी बेटियों को स्कूल में जाने दें। इसके अलावा उन्होंने खुद को कई सामाजिक कार्यों में समर्पित किया और भारतीय राष्ट्रवाद से निकटता से जुड़ी क्योंकि वो भारत से बहुत प्यार करती थी। भारत प्रेमी भगिनी निवेदिता दुर्गा पूजा की छुट्टियों में दार्जिलिंग गई थी और वहां उनका 13 अक्टूबर 1911 को महज 44 साल की उम्र में निधन हो गया। धन्यवाद। सिस्टर निवेदिता जी के लिए एक बड़ा सा क्लैप हो जाए। ठीक है, बहुत अच्छा। आप क्या बनी है? भगिनी निवेदिता। भगिनी निवेदिता का गुरु का नाम बोलो। स्वामी विवेकानंद। बहुत बढ़िया। अब जाओ, बैठ जाओ पीछे जाके।